ताजा तरीन खबरों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हरियाणा के नूह जिले से आ रही है, जहां पर गौशाला में दम तोड़ती हुई नजर आई गाय। गौरक्षा दलों का उस ओर ध्यान नहीं है। आपकी जानकारी बता दें कि नूह की गोपाला गौशाला में जो गायें हैं वो तड़फड़ाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि जहां पर गायों को माता का दर्जा दिया जाता है वहीं पर अब गायें की अनदेखी हो रही है। यानी कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ठीक गोपाला गौशाला की है, जहां पर मिट्टी में गाय पड़ी हुई है और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। ऐसे में ना गौशाला के मालिक वहां पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही गौरक्षा दल के लोग वहां पर इन्हें देखने आते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर ओवरटेकिंग के दौरान आजमगढ़ में सड़क हादसा हुआ। ट्रक बोलेरो जायलो की टक्कर में चार लोग की जान चली गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में चार लोग की मौके पर ही जान चली गई, जबकि सात अन्य लोग घायल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और बचाव दल में सभी घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते उन्हें उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। यानी कि आए दिन इसी तरीके के हादसे होते रहते हैं। ऐसे में जरूरत ये है कि हमेशा जब भी किसी वाहन को चलाएं या फिर सड़क पार करें तो सावधानी जरूर बरतें। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवा जिले से आ रही है। जी हां, पुनहाना के जखोपुर गांव में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें छह लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बता दें कि बिछोर थाना क्षेत्र के गांव जखोपुर में आपसी कहासुनी को लेकर दो गुटों में झगड़ा होने का मामला सामने आया है। इसमें करीब छह लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 32 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी नवनीत ने बताया कि जखोपुर निवासी मज्जर ने बताया कि उनके गांव के ही आरोपित यूनिश ने उनके घर के सामने एक दुकान खोली हुई है, जिस पर वो नशीला पदार्थ बेचता है। वे दुकान पर आसपास के लोग बैठकर जुआ खेलते हैं, जिसके कारण उनके घर के सामने आए दिन गांव के शरारती तत्व इकट्ठा होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। पीड़ित का आरोप है कि जब आरोपित को वहां नशीला पदार्थ बेचने से मना किया गया तो अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ उनके परिवार के लोगों के साथ झगड़ा कर लाठी डंडों से मारपीट की। झगड़े के दौरान उनके परिवार के मज्जर वकीला रुखसार इकबाल इरशाद व इखलास को काफी गंभीर चोट लगी है। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गाजियाबाद से आ रही है। बता दें कि गाजियाबाद में नाली को लेकर हुई पत्थरबाजी, जिसमें एक महिला की जान चली गई। जी हां, गाजियाबाद में पानी के निकास को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नाली का पानी रोकने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने पत्थर मारकर एक महिला की हत्या कर दी है। इस मारपीट के दौरान आरोपियों ने महिला के बेटे को भी बुरी तरह पीटा। पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी वे उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया गया है। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि पंजाब से आ रही है। बता दें कि पंजाब में युवक ने नशा न मिलने पर किया आत्मदाह, पत्नी का आरोप पति की बेइज्जती भी की गई है। बता दें कि पंजाब में नशे की लत घर को तबाह कर रही है। फिरोजपुर के थाना घल खुर्द के अंतर्गत पड़ते गांव सोड़ी नगर में नशे के आदि युवक ने नशा न मिलने पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। युवक 80% झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। थाना घल खुर्द पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ऐसे में जब पति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जान दे दी और आग लगा ली, तो उसके बाद उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनकी घोर बेइज्जती की गई है, जिसको वो सहन नहीं कर पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।